नमस्ते इंडिया। थोड़े दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है दिल्ली के सारे नेबरहुड जिम्स को सील कर देने का। इसी बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ और साथ ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से एक अपील भी करना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि फिटनेस लग्जरी में नहीं आता है, हालांकि इसको लग्जरी के अंडर डालकर इस पर GST भी लगा दिया गया है, लेकिन ये लग्जरी में नहीं आता है। फिटनेस हमारी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। जैसे कि हम रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह अपने शरीर का ध्यान रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, ये एक जरूरत है। और हर इंसान अपनी पॉकेट के हिसाब से अपनी जरूरतों पर खर्च करता है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि भाई ये सारे जिम बंद कर दिए जाएं और जिसको जिम जाना है वो मॉल्स के जिम्स में ही जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मॉल के सारे जिम लग्जरी जिम्स हैं, हर कोई उन जिम्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। सिर्फ फीस ही नहीं, रोज की पार्किंग भी, उसके पैसे भी तो हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर मैं अपने बारे में सोचूं, मैंने जब अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करी थी आज से 22 साल पहले, तो मैंने एक छोटे से नेबरहुड जिम से ही शुरू करी थी। उस टाइम उसकी फीस थी 300 रुपये महीना, जो कि तब मुझे 300 रुपये भी बहुत ज्यादा लगते थे। मैं उस टाइम अर्न नहीं करती थी, मुझे वो मांगने पड़ते थे पैसे अपनी दादी से। और सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, आज आप जितने भी एस्टैब्लिश्ड इंडिया के एथलीट्स देखेंगे जो आज किसी मुकाम पर हैं, उन सब ने अपनी फिटनेस जर्नी अपने नेबरहुड जिम्स, छोटे मोटे आसपास के जिम से ही शुरू की है। अगर उस टाइम पे भी ऐसा कुछ होता तो शायद आज मैं और वो सारे एथलीट्स वो नहीं होते जो हैं। अब जितने भी अपकमिंग एथलीट्स हैं या जो लोग भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एज इट इज ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव फील्ड है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली वो मॉल तो नहीं जा सकते। और जो जा भी सकते हैं, सपोज कोई अफोर्ड भी कर सकता है, तो इतनी दूर ट्रैफिक को चीरते हुए, इतनी चिल पॉ के बीच में से, ऑफिस के बाद किसकी हिम्मत होगी जी इतनी दूर मॉल जाओ और वहां पे जाके एक्सरसाइज करो? ये जो ऑर्डर दिया गया है ना, इससे इतना गंदा इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना सब पे। ऑलरेडी पड़ चुका है, पड़ने वाला नहीं है, पड़ ही चुका है। अभी इतनी मुश्किल से इंडिया में अवेयरनेस आई थी फिटनेस को लेके, फिट इंडिया चैलेंज चलाया था मोदी जी ने, सब लोग अवेयर होने लगे थे, हर इंसान, हर लेडीज जो कि घरों में घुसी रहती थी उनको भी अवेयरनेस हो गई है, वो भी बाहर निकल के एक्सरसाइज करने लगे थे, और एकदम से ठप, सब कुछ ठप। और मैं तो ये कहूंगी ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, आज दिल्ली के लिए ऑर्डर पास हुआ है, कल ये गुड़गांव के लिए हो सकता है, महाराष्ट्र के लिए हो सकता है, कहीं के लिए भी हो सकता है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, ये सवाल पूरी फिटनेस इंडस्ट्री, इंडिया की फिटनेस इंडस्ट्री पे आ गया है। मुझे लगता है हम सबको इस टाइम साथ मिलकर खड़े होने की बहुत जरूरत है। मैं ये भी सोचती हूं बहुत बार, मैंने सोचा इनफैक्ट अभी कुछ दिनों से यही मेरा दिमाग चल रहा है कि अगर आप लोग देखें ओलंपिक गेम्स में जितने भी लड़के लड़कियां गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, क्या वो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं? बिल्कुल नहीं। क्या उनको अपने स्पोर्ट को बेटर करने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ती? वो लोग छोटे छोटे कस्बों से आते हैं, आसपास के लोकल जिम्स में ट्रेन करते हैं। अगर उन्हीं को बंद कर दिया जाएगा तो कल को इंडिया में चैंपियंस कहां से आएंगे? और ये 2021 का मास्टर प्लान जिम्स को तो देख रहा है कि ये फैसिलिटी में नहीं होने चाहिए। उन दारू के ठेकों का क्या, उन सिगरेट के खोखों का क्या, और वो जो साथ में अहाते होते हैं जहां पे रात रात को बैठ के लोग दारू पीते हैं, गन मचाते हैं, वो क्यों दिख रहे हैं भाई फैसिलिटी में? वो उनको क्यों नहीं दिख रहे कि इनको भी बंद करना चाहिए? वो तो ज्यादा जरूरी है। जिम्स ही क्यों दिख रहे हैं? जिम में कौन सा नुकसान कर रहे हैं भाई हम लोगों का? कौन से वहां आके बच्चे बिगड़ रहे हैं? वहां पे आके क्या कर रहे हैं बच्चे ऐसा? और दारू के ठेके कौन सा आपको अच्छा वो दे रहे हैं? कौन सा यूथ को वो अच्छी डायरेक्शन दे रहे हैं? आजकल का जो यूथ है, सिर्फ आजकल का नहीं, दोबारा मैं अपनी बात पे आती हूँ। जब मैं छोटी थी बहुत स्ट्रगल से गुजरी हूं मैं, मेरे में इतना एग्रेशन था, इतनी एनर्जी थी, अगर जिम नहीं होता तो शायद उस टाइम मैं गलत रास्ते पे जा चुकी होती। मैंने अपनी सारी एनर्जी, सारी एग्रेशन जिम में ही निकाली है। तो मेरी अपील है आप सबसे कि आप लोग भी ऐसी वीडियोस बना के जो भी आप सोचते हैं फ्रैंकली, ऑनेस्टली, बिंदास बोलिए और सोशल मीडिया पर डालिए उसको,
सब एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। ये सिर्फ जिम ओनर्स की बात नहीं है, ये उन सब की बात है जो लोग वहां काम करते हैं, जो लोग फिटनेस एंथुजियास्ट्स हैं, इन सबको मिलके इस एक आंदोलन चालू करना चाहिए। आई रियली थिंक कि आप सबको ये वीडियोस बनानी चाहिए, ये सारी वीडियोस कभी ना कभी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की नजरों में जरूर आएंगी। और मैं आप लोगों से ये भी अपील करती हूँ कि आप लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ नीचे कमेंट्स में डालिए, मैं कुछ करने जा रही हूँ और उसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिएगा, तो उन नंबर्स के थ्रू मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ। लास्ट में मैं मोदी जी से ये अपील करती हूँ कि आप इस डिसीजन पर, ये जो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस पर दोबारा से गौर फरमाइए और देखिए कुछ आप कुछ ऐसा कीजिए कि इसका कोई हल निकल पाए। और ये जो इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, जो आई थिंक सोच भी नहीं सकता है कोई, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, वो ही समझ सकते हैं इस चीज को, ये होने से बच जाए। जय हिंद।